हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण अपनी प्रादेशिक भाषा अवधि में लिखी तो उस पर बहुत विवाद हुआ, परंतु गोस्वामी जी ने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि रामायण की कहानी आम इंसानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उसमें जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श दिखाए गए हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के आइडियल्स हैं, उनसे एक आम इंसान भी अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सके, उसे जिंदगी का सही रास्ता मिल सके। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसा कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं को पार करके आम इंसानों के दिलों पर इतना गहरा असर डालती है कि हर आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी शिक्षा और तालीम से फायदा उठा सकता है। यही कारण है कि संसार की करीब करीब हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में रामायण को उतने आदर मिला है जितना भारत में। रूस में पिछले कई सालों से रामायण का नाटक स्टेज पर खेला जा रहा है। उधर इंडोनेशिया में रामायण वहां की लोक कथा, वहां के फोक आर्ट का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बल्कि प्रमुख विषय है। उसका कारण है कि भारत ने दूसरों की धरती पर कब्जा करने के लिए कभी सेनाएं नहीं भेजी, फौजें नहीं भेजी। हमेशा भारत से गए शांति और दोस्ती के दूत, मैसेंजर्स ऑफ पीस एंड लव, जिन्होंने उनकी धरती पर नहीं, उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। उन दूतों के साथ गई भारत के वीरों की कहानियां, उनके एपिक्स, रामायण जैसे महाकाव्य। उसका असर कितना गहरा था, इसका जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में फ्रांस के एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार मिशेलेट के विचार इस प्रकार उद्धृत किए हैं। जिसे जीवन की अनुभूतियों की प्यास हो, वो इस महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाए, जो सागर से भी विशाल है, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, जिसमें एक निरंतर शांति, एक अनंत मिठास है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु
प्रचरिष्यति। उसके बाद जब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तो कवियों और संतों ने इसे बार बार अपने अपने समय और अपने अपने प्रदेश की भाषा में लिखा। दक्षिण की भाषाओं में रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई। मादेवु गमलाक्षु मम्मेलु देवु मादेवु गमलाक्षु मम्मेलु देवु नादि नारायणु नखिल लोकेषु नादि नारायणु नखिल लोकेषु। उसी तरह महर्षि कंबर ने तमिल में, अलुत्तच्छन ने मलयालम में और नागचंद्र ने कन्नड़ में से लिखा। पूर्व में महाकवि कृत्तिवास ने इसे बंगला भाषा में लिखा और कृत्तिवासी रामायण उनके जीवन काल ही में घर घर में गाई जाने लगी। मधु चैत्र मास शुक्ल श्री राम नवमी मधु चैत्र मास शुक्ल श्री राम नवमी शुभ क्षणे उसी प्रकार पश्चिमी तट के निकट महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने ये गाथा बड़े भावपूर्ण अंदाज में गाई। श्री रामचूत वृक्ष प्रबल श्री रामचूत वृक्ष प्रबल प्यावरी वाल्मीकि कवि गोकिल वाल्मीकि कवि कोकिल नारद वसंते कुटली किल नारद वसंते कुटली किल मधुराक्षरी सरल आलाप केला श्री रामचूत वृक्ष प्रबल श्री जैसा कि मैंने पहले कहा था उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधि में लिखा। सब जानत प्रभु प्रभु ता सोई तदपि कहे बिनु रहन कोई तदपि कहे बिनु रहन कोई सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। रामायण की कहानी इंसान के दिल में इस विश्वास इस यकीन इस फेथ को मजबूत करती है कि जब कभी जुल्म की ताकतें यानी ऑटोक्रेटिक पावर्स मानवता और इंसानियत को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करती है तो उस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत कोई ऐसी विभूति इंसान के रूप में आती है जो जुल्म की ताकतों और उनके हथियारों का मुकाबला केवल अपनी सच्चाई आत्मविश्वास और प्यार की भावना से करता है। रामायण की परंपरागत कथा इस बात पर आधारित है कि एक समय जब आतताई शक्तियां रावण के रूप में प्रकट होती है
जो अपनी ताकत के नशे में चूर धरती को अपने पैरों तले रौंदता चला जा रहा है, उस समय धरती, ऋषि, मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं और वो उनके प्रकार से द्रवित होकर उनकी सहायता का वचन देते हैं। इस कथा से एक इंसान में सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत आती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आखिर में हमेशा सच्चाई की जीत होगी और सारे संसार में एक ही नारा गूंजता रहेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपद निषदैर गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः सुखदायक प्रणतपाल भगवंता ओम जगतकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय गंगा आयन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जाने कोई जो सहज कृपाला घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहिं गुणगन गावहिं जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण
अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। देव दानव मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है कि देव दानव नाग किन्नर गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। जब वो अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। असुरों के आतंक से धर्मशील जनता चीत्कार कर रही है, उसके सैनिक लोगों को त्रास दे रहे हैं, राक्षस साधु जनों का खून पी रहे हैं। प्रभु, आज अबलाओं की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज वो अवस्था आ गई है यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सच्चिदानंद देवादिदेव प्रणाम। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा, उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य है प्रभु। धरती पर जब भी कोई जालिम प्राणी मात्र को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर देता है तो एक सच्चा इंसान उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी, उसकी रक्षा करेगी। जिस दिन यह विश्वास टूट जाएगा कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, उस दिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। समाज बिखर जाएगा, धरती सूर्य चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं प्रभु, यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और बानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें वहां उन्हें एक ही विश्वास हो कि अंत में सच्चाई की जय होगी। तारी सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, 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 सत्यमेव जयते। प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, यह बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख समृद्धि कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या
क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही पुकार है, सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई मां कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक मां के हृदय का आंगन जब तक सुना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश न हो, सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषिशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलवाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहाँ रथ, हाथी, घोड़े, सेना की आवश्यकता नहीं। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक और अहंकार ही लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव, ऋषिशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। प्रसन्न तथास्तु कहा फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। अग्निदेव फिर प्रकट भए एक पात्र खीर का लेकर, पूरन होगी इच्छा तेरी कहा दशरथ को देकर। अग्निदेव
देवराज इंद्र श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया। अब आप देवताओं को भी आदेश दीजिए पृथ्वी पर जाकर वानर कुल में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करें। मंथरा रानी के कैसे हमारा अभिनंदन करो। महाराज का जय जयकार, मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार, मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार हो। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ? नहीं महाराज, एक नहीं दो, दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 अवध बधैया। दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया, चार दिशा से फूल बरसते, चार दिशा से फूल बरसते, बसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे बाजे
महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्यानंदन का नाम केवल दो अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। मेरे राम। और कैकेयी के इस लल्ला का नाम क्या होगा? त्यागमूर्ति, धर्मस्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों का और इन दोनों राजदुलारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ये समस्त लक्षणों से युक्त हैं। इसका नाम लक्ष्मण और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना है अयोध्यानाथ? चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं तुम्हारे कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। एक और योग दृष्टिगोचर हो रहा है। वो क्या है धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाइयों में भ्रातृप्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक ओर राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसे होगी जैसे एक प्राण और दो शरीर। धन्य भाग मेरे दोनों बेटों के, अपने बड़े भाइयों की छाया बनकर उनकी सेवा करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझ।